Advantages and disadvantages of sexual reproduction. First, the contents: advantages of sexual reproduction. Number one, genetic variability. Number two, foundation for evolution. And number, two, elimination. number three, elimination of deleterious traits or deleterious mutations. Then, the disadvantages of sexual reproduction. Number one, asexual animal cannot survive if there is only sexual reproduction. नंबर टू अडेप्टिव जीन कम्बिनेशन विल डिसमेंटल एंड नंबर थ्री दर इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम बात करें जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जितनी बाकी अगर नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उसमें हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं यानी कुछ हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स होते हैं कुछ उसके क्या है ड्रॉबैक्स हैं आमतौर जिस चीज़ के हमें बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं हम उसको कहते हैं दिस इज मोर यूजफुल ये यूजफुल है जिसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा होते हैं हम उसके क्या कहते हैं कि हार्मफुल है जैसे इवन सिंपल अगर एग्जाम्पल हम लें जो हमारी ईटेबल्स हैं जो हम खाते हैं फूड जो है हमारा जब आप एक लिमिट में ले रहे हैं तो ये हमारी यूजफुल है लेकिन यही फूड अगर हम ओवर ईटिंग कर लें या फिर ये प्रॉपरली जो वो मैनेज ना हो थोड़ा सा जो स्पॉइल हुआ हो तो यही फिर क्या हो जाएगा हमारे जो जा है वो नुकसानदेह है तो सेम इज़ द थिंग एवरी फिनोमिना नेचर के अंदर ने जितने भी फिनोमिना है हर एक के कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ क्या है डिसएडवांटेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस थोड़े से ज़्यादा हैं जबकि इसके मुकाबले में जब वो डिसएडवांटेजेस थोड़े से कम है तो ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ गुड थिंग फॉर एनिमल्स ये एनिमल्स के लिए ज़्यादा प्रॉस्पेरस है ज़्यादा इसके लिए बेनिफिट है जेनेटिक वेरिएबिलिटी पहला जो है इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से एनिमल्स के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होती हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब यह है कि उसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन नए जीन जीन जो है वो कम्बिनेशन राइस होते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी का बायस बनते हैं नंबर वन इज द मियोसिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन गेमीट फॉर्मेशन के दौरान जो मियोसिस होती है उससे क्या होता है कि जब रिकम्बिनेशन ऑफ जी एन ए होता है जीनेटिक रिकम्बिनेशन उसको कहते हैं सेकेंड वन जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक एनिमल से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है दूसरे एनिमल से दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है दो डिफरेंट जो है वो जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक नया कम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो अराइज होता है तो इससे बेनिफिट क्या होगा जितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी उतना ही एनिमल्स इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा चेंजिंग इन्वायरमेंट को बेटर जो है वो हैंडल कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं स्पेशली द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर रिसोर्स चेंज हो रहे हैं जिसके अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही हैं वहाँ जेनेटिक वेरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है उन स्पीशीज़ के मुकाबले जिनमें जेनेटिक वेरिएबलिटी नहीं है दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से एवोल्यूशन जो है वो एक खास जहाँ वो कह सकते हैं कि उसके लिए वो मटीरियल अवेलेबल है एवोल्यूशन हो रही है अच्छा अगर हम लाइफ की बात करें कहा यह जाता है कि अगर फोर बिलियन ईयर्स लाइफ के टोटल हैं तो फर्स्ट टू बिलियन ईयर्स जो है नहीं पहले दो अरब साल जो हैं उसमें एनिमल्स ए सैक्शली रिप्रोड्यूस करते रहे हैं इसलिए फर्स्ट टू बिलियन ईयर्स में लाइफ जो है उसमें ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई है जबकि बाद के जो टू बिलियन ईयर्स हैं दो बिलियन साल के बाद का जो हिस्सा अच्छा है उसमें एनिमल्स बेसिकली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चले गए जिसकी वजह से एवोल्यूशन का प्रोसेस स्पीड अप हुआ और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो अर्थ के ऊपर देखने को मिली है तो इट मीन मोर जेनेटिक वेरिएबिलिटी मोर वेरिएशन एंड मोर एवोल्यूशनरी प्रोसेस ज़्यादा जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस होंगे थर्ड एडवाटेज दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ डेल्टीरियस म्यूटेशंस अब म्यूटेशन जो है वो तो आपको पता है एक कॉन्सटेंट फिनमिना है वो हमारे जीनोम के अंदर हो ही रहा है डिफरेंट फैक्टर्स हैं कभी किसी केमिकल्स की वजह से कभी रेडिएशन की वजह से कभी जो है वो हमारे इंटरनल वैसे ही जो डीएनए रेप्लिकेशन की एरर हो सकती है ज़्यादातर म्यूटेशंस वो हैं जो डेंजरस होते हैं जो नुकसानदेह होती हैं बहुत कम म्यूटेशंस होते हैं जो बेनिफिशियल होती हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक बेनिफिट ये है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगी जीन रीशफलिंग होती है उस रीशफलिंग के दौरान आमतौर पर जो मिसफिट ट्रेड्स होते हैं यानी वो म्यूटेशन जो डटेरियस होती हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं और अगली जनरेशन तक वो नहीं पहुंच पाती हैं ओके okay जी अब हमारे पास हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट वन कि ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ ए सेक्चुअली प्रोडक्शन करते हैं यानी वो एनिमल जिनके पास सेक्शुअली रिप्रोडक्शन का मैथड अवेलेबल ही नहीं है तो वो सेक्चुअली रिप्रोडक्शन की अगर सिर्फ सेक्चुअली रिप्रोडक्शन होगी तो वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो इसलिए सेम इज़ द केस कि ऐसे एनिमल जिसमें सिंगल सेक्स एग्जिस्ट करता है बहुत सारी स्पीशीज हैं लिजर्ड्स की कुछ छह स्पीशीज ऐसी हैं लिजर्ड्स में जिसमें जब वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स पाई जाती हैं मेल होते ही नहीं है अब जब मेल नहीं है तो इसका मतलब यह कि वो पॉपुलेशन वो स्पीशीज एक्सटेंड कर जानी चाहिए वो सिर्फ सिर्फ किस वजह से सर्वाइव कर रहे हैं ड्यू टू तो ए सेक्श रिपोडक्शन तो इसके लिए ए सेक्श रिप्रोडक्शन वाले एनिमल्स सेक्श रिप्रोडक्शन का ऑप्शन नहीं ले सकेंगे क्योंकि उनके पास याद सेक्स ही एक होगा या उनके पास वो अडेप्टेस ही नहीं होंगे वो स्ट्रक्चर नहीं होंगे एक्चुअली so रिप्रोड्यूस करने के लिए सेकेंड डिसएडवान्टज ये है कि गुड कम्बिनेशन अगर फ़र्ज़ करें हमने कोई जीनिक लोड़ने के थ्रू या जेनेटिक इंजीनियर के थ्रू एक एनिमल जो है कोई शीप है जिसके अंदर या कोई माइस है जिसके पास एक खास कर थोड़ा ग्रोथ हारमोन प्रोड्यूस कर रहा है वो अगर वो एनिमल जो है जब अपने वो ग्रोथ हारमोन प्रोड्यूस कर रहा है वो हम सिंपली उसके मिल्क से उसके यूरिन से वो हारमोन्स या प्रोटीन लेकर हम क्या करते हैं उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं अगर वो एनिमल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू अपने ऑफ पैदा करता है तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी यानी ऑफ स्प्रिंग्स से हमें वो प्रोटीन हासिल नहीं होगी क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है जीन रिशफलिंग होती है तो वो मिल्क के अंदर वो प्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला जीन एलिमिनेट हो जाता है सेम इज द केस कि अगर स्टेबल इन्वायरमेंट है तो स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर आमतौर पर जो एनिमल्स होते हैं उनका बड़ा जीन कम्बिनेशन बड़ा ऑफ्टीम होता है अगर वहाँ सेक्चुअली प्रोडक्शन होती है तो इस सूरत में केस ज़्यादातर अमकान ये होते हैं कि जो गुड कम्बिनेशन ऑफ जीन्स हैं दे में डिसमेंटल एंड थर्ड वन इज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी ए सेक्चुअली प्रोडक्शन में आमतौर पर अगर फर्द करें पार्थिनी जेनिस एग्जाम्पल लेते हैं पार्थिनो अगर हो रही है अगर एक एनिमल ने फिफ्टी एग्स प्रोड्यूस किए हैं या हंड्रेड एग्स प्रोड्यूस किए हैं तो फिफ्टी और हंड्रेड जो है वो सारे के सारे नए एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में अगर फिफ्टी एग्स प्रोड्यूस किए हैं टेन की, है, की फर्टिलाइजेशन हुई है तो जो फोर्टी हैं वो सारे बेकार हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे इसके अलावा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो अब करनी होती है एनिमल्स ने दे हैव टू कम क्लोज टू अदर वो क्या करें करीब आएंगे कोर्ट शेप बिहेवियर शो करेंगे मेटिंग करेंगे और इन तमाम चीज़ों के दौरान बहुत सारी एनर्जी का वेस्टेज होगा सेक्शुअली प्रोडक्शन रिक्वायर मोर एनर्जी तो इसलिए इसकी जो एनर्जी वेस्टेज है उसमें ज़्यादा है